हेलो फ्रेंड्स, के जे पटेल की चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि खजूर इमली की चटनी कैसे बनाते हैं, लहसुन की चटनी कैसे बनाते हैं और ग्रीन धनिया और मिर्ची की चटनी कैसे बनाते हैं, जो तीनों चटनी हम बेल बनाने में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये तीनों चटनी हम कैसे बनाते हैं। तो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खजूर इमली की चटनी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने खजूर इमली की चटनी बनाने के लिए खजूर और इमली को 20 मिनट तक गर्म पानी में मैं भिगो के रखती हूँ। अभी खजूर के साथ मैंने एक चम्मच जितना वलियारी भी ऐड की है। अभी 20 मिनट तक इसको आप गर्म पानी में भिगो के रखिए। अभी ये दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं गर्म पानी में। तो अभी हम इमली के जो सीड्स है वो पहले निकाल देते हैं, उसके बाद दोनों को हम एक साथ ही मिक्सचर में मिक्स करके फिर इसका पेस्ट बना लेते हैं। अभी आप ये चटनी एक वीक तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं भेल बनाने में। अभी मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। अभी एक छन्नी से आप इसको छान लीजिएगा अच्छे से, ताकि इसका पेस्ट एकदम सॉफ्ट और अच्छे से ग्रेवी वाला बना रहे। अभी इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाइएगा ताकि ये अच्छे से छान सके। अभी इसके अंदर आप एक ग्लास जितना पानी ऐड करिए। अभी आपको इसको धीमी आंच पर गैस पर रख दीजिए तपेली को। अभी सौंठ पाउडर एक चम्मच इसके अंदर ऐड करिए, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और आधी कटोरी गुड़ ऐड करने का है आपको, और स्वाद अनुसार नमक। अभी इसको आप धीमी आंच पर इसको अच्छे से पकाइएगा चटनी को। ये चटनी को आपको जैसे जैसे ये पकती जाएंगी वैसे वो गाढ़ी होती जाएगी। अभी ये चटनी आप समोसा या वड़ा पाव के साथ भी आप अच्छे से खा सकते हैं, भजिया के साथ भी खा सकते हैं, और पानी पूरी में भी आप मीठी चटनी के साथ भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक वीक तक आराम से इसको स्टोर करके आप इसका मज़ा ले सकते हैं। और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। अभी जैसे जैसे ये उबलती जाएगी चटनी वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से ये उबल रही है, और जैसे जैसे ये इसका पानी
जल रहा है वैसे वो गाड़ी होती जा रही है। और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। तो अभी हमारी खजूर इमली की चटनी रेडी है। अभी हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। इसके अंदर मैंने 5 मिर्ची ली है और 1 कटोरी जितना धनिया लिया है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करिए। तो अभी हमारी ये ग्रीन चटनी का पेस्ट रेडी है। एक बाउल में इसको निकाल दीजिएगा। अभी इसके अंदर आप स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए, संजर पाउडर ऐड करिए। एक चम्मच जीरा पाउडर ऐड करिए। अभी इसको आप मिक्स करके अच्छे से इसका भी यूज़ कर सकते हैं 1 वीक तक। लेकिन इसको आप 1 वीक तक यूज़ करना है तो इसको हमेशा फ्रिज में ही रखना। अभी लहसुन की चटनी के लिए मैंने 10 कड़ी लहसुन लिया है। इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लीजिएगा पहले। अभी इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। फिर से उसको एक बार ग्राइंड कर लीजिए और अभी एक बाउल में आप निकाल दीजिएगा उसको। थोड़ा सा पानी बाउल में ऐड करके वापस से उसको ये बाउल में ऐड कर दीजिएगा। अभी इसके अंदर आप 1 चम्मच जितना जीरा पाउडर, संजर पाउडर स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार। अभी इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और आप इसको भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक तक। तो हमारी ये तीनों चटनी रेडी है। अभी आप कभी भी 1 वीक तक बेल बना के खा सकते हैं। तो मेरी ये लहसुन की चटनी भी रेडी है, ग्रीन चटनी भी रेडी है अभी। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। खजूर इमली की चटनी भी रेडी है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।